पश्चिम बर्धवान आसनसोल। इस्माइल के इंद्रप्रस्थ इलाके में लगातार हो रही चोरियों से लोग परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि इलाके में छिटपुट चोर सक्रिय हैं, जो लोगों के घर में घुसकर मोबाइल अन्य सामग्री चुरा ले रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस से जब वो शिकायत करने जा रहे हैं तो पुलिस चोरी के बजाय खो जाने की शिकायत दर्ज कर रही है। मामले की छानबीन भी सही से नहीं की जा रही है। कल रात ही सेल ISP की कर्मी उपेंद्र साहु के घर से उनका 2 मोबाइल चुरा कर ले गए। चित्र सहित स्थानीय बच्चू रजक, अभिषेक साव, संतोष मजुमदार, पुतुल बर्मन, सूर्य मंडल, प्रतिभा दास, नरेश शर्मा, गणेश सिंह, बादल सूत्रधर आदि के घरों से मोबाइल, लैपटॉप आदि सामग्रियां चोरी हुई हैं। लगातार चोरियों से लोग आतंकित और परेशान हैं। उनकी मांग है कि पुलिस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के लिए गश्ती करे और जल्द से जल्द इन चोरों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करे। मैं रात को लगभग 1:30 बजे सोया। घर में मेरा लाइट ये भी नहीं था, कोई लाइट नहीं जलता, मैं सोता हूँ। लेकिन जब सोया फिर मैं 4:45 बजे के आसपास मुझे ड्यूटी जाना था, तो मैं टाइम देखता हूँ बीच में। टाइम देखने के लिए मोबाइल जब खोज रहा हूँ तो मोबाइल मिल नहीं रहा था। फिर मैं लाइट जला के सारा जगह छानबीन किया। फिर दूसरा फ़ोन से कॉल कर रहा हूँ तो सारा फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। उठ के देख रहा हूँ कि ये सब खिड़की पूरा खुला हुआ है और उधर में फुट स्टेप भी था। चोर जो आया है बाउंड्री वॉल क्रॉस करके, वहाँ पर उसका जूता का निशान भी था। मैंने कल पुलिस जब आया, पुलिस को भी दिखाया उस चीज़ से। कब हुआ घटना? परसों रात में लगभग 2 से 4:45 बजे के बीच में। 4:45 बजे तो मैंने रिंग खुल गया, मतलब मान के चलिए 2 से 4 बजे के बीच में। क्या क्या ले गया आपका? 2 फ़ोन लेके गया। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? उपेंद्र शाह। क्या पहले ये बताइए, इंद्रप्रस्थ इलाका पड़ता है। हाँ, क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरी बढ़ा हुआ, हर सप्ताह चोरी हो रहा है। सप्ताह में 2-3 दिन हो जा रहा है। इतना ही आदमी लोग परेशान हो गया यहाँ पे चोरी से। ये बेचारा फुचका वाला लोग, डेली खाने वाने वाला लोग, ये लोग का चोरी हो गया साइकिल। कल परसों दादा का मोबाइल चोरी हो गया घर पे। ऐसे तो आदमी पूरा परेशान हो जाएगा। एक चीज़ आदमी लेने पे कितना कष्ट करना पड़ता है, कितना सोचना पड़ता है। और यहाँ पे चोरी बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम क्या? बंटी। बंटी ना की अच्छी आपने की सुन लिया बोलो। पासर बाड़ी थे चोरी हुई थी। अच्छा, जाना रात के রাতে কিছু কি লোক আসছে না আসছে সব কথা ধরতে পারবো না বলো। রাত 3টার সময় কাজটা হচ্ছে, আর কি করা যায়? পাড়ায় প্রায় মোটামুটি বছর কানে 8-10 জন করে করা চুরি হয়ে গেছে। কারা করছে, মানে কি ভাবছেন আপনারা? কারা করছে বলে কাকে বলবো না দেখলে? পুলিশ কি করছে? পুলিশ কিছুই করছে না, রিপোর্ট দিতে যাচ্ছে বলে মিসিং ডারে দিন। আমার মেসে হতো চুরি হয়েছে, চুরির কাজটা আমি দিচ্ছি, চুরি কাজ নিচ্ছে না পুলিশ। আচ্ছা, পুলিশ বলছে মেশিন ডাই। কি নাম হলো আপনার? আমার নাম হচ্ছে লালু দাস। ভাই আছে না উপেন্দ্র সাহের বাড়িতে? অপু তো আমরা অপু বলেই চিনি একে তো। এর কালকে রাত্রেবেলাতে নাকি দুখানা মোবাইল একসাথে চুরি হয়ে গেছে। তারপর থেকে এটা আজকের নতুন ঘটনা নয়, ছিটফুট ঘটনা, এরকম প্রায় প্রত্যেক দিনই ঘটতে থাকছে। প্রায় চুরি হতে থাকছে, কারো ল্যাপটপ, কারো মোবাইল ফোন, এটা ওটা যা হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে সেটাই কোনো রকমে এদিক ওদিকভাবে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তো এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে তো মানুষের শান্তি সবসময়তে বিঘ্নিত হচ্ছে, সবসময়তে অ্যালার্ট থাকতে হচ্ছে যে ঘরের মধ্যেও একটু রেস্ট করবো, ঘুমাতে ঘুমাতেও যদি অ্যালার্ট থাকতে হয়। এইভাবে তো সমস্ত কিছু ঠিক নয় না। মানুষ ঘুমাতে ঘুমাতেও তো একটা নিদ্রা তন্দ্রাতে তারা আচ্ছন্ন হয়ে গেলে তাদের তো ইয়েটা থাকছে না, অ্যালার্টনেসটা থাকছে না। তো সব সময়তেই যদি চুরি হয়ে যায় এইভাবে তো দেখা উচিত, যাতে করে এই ঘটনাটা না ঘটে এবং কারা এর পিছনে জড়িত আছে সেটা যেন সামনে সবার সামনে আসে, সেটাও আমরা চাইছি। এটা যদি এইভাবে চলতে থাকে তাহলে এভাবে সচরাচর এইভাবে চলাটা উচিত নয়। একটা ভদ্র সমাজে, সভ্য সমাজে এরকম চলাটা ঠিক নয়। যাতে এটা জলদি কোনো সুরাহা বা কিনারা কিছু হয় এবং যে করেছে, যে এটার পিছনে রয়েছে, সেই কালপ্রিট যেন তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে, এই আবেদন আমরা অবশ্যই রাখছি প্রশাসনের কাছে। এবং আমরা আমাদের প্রশাসনের উপরে সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে, নিশ্চয়ই এটা একটা সমাধান সূত্র কিছু বের হবে। এবং আমরা অতি সামনেই হয়তো আমরা এই কালপ্রিটকে আমরা চোখের সামনে দেখতে পাবো।